आज मैं आप सबके लिए एक हैरतअंगेज़ टिप लेके आई हूँ जो कि बहुत ही आपको पसंद आएगी। इसके लिए अगर आपको ये मेरी टिप अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन ऑन रखें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये जो मैं टिप लेके आई हूँ इसको आप शरबत भी कह सकते हैं और इसको इसको एक ड्रिंक भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसको मैंने ये देखे, ये मिट्टी के प्याले में एक गिलास पानी डाला और रात को मैंने चार खजूरें भिगो दी, ठीक है। अब इसको मैंने ग्राइंड करना है, ठीक है। ये किसके लिए है, ये जनरल जनरल है, सिरप है, सिरप समझ लें, ड्रिंक समझ लें, कुछ भी समझ लें आप, ये जनरल है। ये आप 8 साल के बच्चे से लेकर उससे आगे जो सब बड़े हैं वो सब पी सकते हैं, ठीक है। ये आपकी जब जो काम की ज्यादती की वजह से आपकी कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट है, खून की कमी है, उसको दूर करेगा। बलगम है, फेफड़ों में कुछ भी मसला है आपका, गुर्दों की सफाई करेगा, खून की कमी को सही करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ठीक रखेगा, आपको ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा। खजूर के बेशुमार फ़ायदे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है खजूर के बारे में, आप सब लोग जानते हैं। खजूर इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है, ये जन्नत का फल है। इसके आपको फ़ायदे बहुत ही, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे, रेगुलरली इस्तेमाल करना है, इसका कुछ भी ऐसा नहीं है। मिट्टी के बर्तन में इसलिए मैंने भिगोया है कि ताकि इसकी तासीर ठंडी हो जाए। अगर अब वैसे तो हम खजूर का शरबत बना लेते हैं, वो हम पी सकते हैं, लेकिन वो ये है कि वो उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, ठीक है, वो ज़्यादा किसी को सूट नहीं करता। तो अगर इसको हम मिट्टी के बर्तन में रात को भिगोएंगे तो ये इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी और ज़्यादा आपको कुछ भी ऐसा मसला नहीं होगा, कुछ गर्मी वगैरह कुछ नुकसानदेह नहीं है ये, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो मैंने खजूरें ली हैं इसको इसी पानी के साथ मैंने ब्लेंड करना है। ये देखें, ये देखें, ये मैंने इसकी गुठली निकाल दी है और ये इसके अंदर जो एक ग्लास पानी था, ठीक है ना, वो मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। ये देखें, अब इसे मैंने ये देखें ब्लेंडर में डाल दिया है, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। ये देखें, ये मैंने अपनी खजूर और पानी इसको देखें मैंने ये ग्राइंड कर लिया है ना। ये देखें, इसको आपने निहार खाने से आधा घंटा पहले पी सकते हैं, ठीक है ना। अगर सुबह का बनाया है तो शाम को पी लें, और शाम का बनाया होगा तो सुबह को पी लें। 12 घंटे इसके बाद 12 घंटे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, ठीक है, ये जन्नत का फल है, ठीक है, आप सबको पता है इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, ठीक है। आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा महसूस होगा, ठीक है। खून की कमी को पूरी करेगा, ताकत देगा और काम की वजह से थकावट हो जाती है उसको ठीक करेगा, ठीक है। ये बेहतरीन ड्रिंक है हमारा, इसे ड्रिंक कह लें, शरबत कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसकी तासीर भी ठंडी हो गई है, इसको हम पी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसमें मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसी तरह के और मैं नुस्खे और टोटके आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। और मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।